नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN में। दोस्तों बात करने वाला हूँ TTML के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो आज फिर से मार्केट क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है और शेयर पूरी तरीके से टूट चुका है। देखा जाए तो आज 87 रुपये पर शेयर की प्राइस है वो टूट कर आ चुकी है। देखा जाए तो यहाँ भी पिछले 5 दिनों का आंकड़ा, पिछले 5 दिनों में 5 रुपये 65 पैसे के आसपास शेयर में गिरावट हो चुकी है। और देखा जाए तो लगातार शेयर में जो मार्केट क्रैश होने का जो कार्य है वो लगातार बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शेयर की आज के ओपन मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट आज ओपन हुआ था दोस्तों 88 रुपये से, और इसका हाइस्ट जो जंप देखने को मिला वो देखा जाए तो 88 रुपये 80 पैसे तक देखने को मिला। लोअर प्राइसेस की बात करते हैं तो 86 रुपये तक इसकी प्राइसेस गिरती हुई देखने को मिली, पर करंट प्राइस की बात की जाए तो 87 रुपये पर देखने को मिली है। तो वहीं देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैप है वो तो एक अच्छा खासा देखने को मिलता है, पर यहाँ पे शेयर में अच्छी खासी गिरावट की बनती हुई जो लहर है वो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब मार्केट की जो बात यह आती है कि आज मार्केट पूरा अच्छी खासी तेज़ी में यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिला। BSE सेंसेक्स भी और निफ्टी भी देखने को मिला तो वो भी तेज़ी में देखने को मिला, पर दोस्तों TTML तो दोस्तों अलग ही कुछ रोल अपना निभा रहा है, लगातार शेयर टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है वो तो काफ़ी ज़्यादा देखने को दोस्तों पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा था पिछले दिनों तो, पर अभी यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो नेगेटिव में भी कुछ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू दोस्तों सितंबर 2022 के मुकाबले बात करते हैं तो 287 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, पर एक फिलहाल के टाइम जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो लगभग 3% के आसपास के देखने को मिल रही है। पर पिछले एक मंथ का हम आंकड़ा देखते हैं तो 10 रुपये 75 पैसे के आसपास शेयर में गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, और जो सबसे ज़्यादा शेयर जब टूटा था वो यहाँ पे देखने को मिला था 82 रुपये के आसपास शेयर में टूटने को मिला, तो 82 रुपये 95 पैसे यहाँ पे देखने को सबसे ज़्यादा मिला। पर हम मैक्सिमम टाइम का डाटा चेक करते हैं तो जो मैक्सिमम टाइम का जो डाटा है वो देखा जाए तो 2022 में एक अच्छा खासा दोस्तों रिटर्न भी देखने को मिला, 1085% का अच्छा खासा रेवेन्यू रिटर्न जनरेट करके दिया। वहीं बात की जाए दोस्तों इसके अपर सर्किट की तो दोस्तों एक अच्छा खासा अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला 79.66 रुपये का, 79.66 रुपये का यहाँ पर एक अच्छा खासा अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला। पर हम 5 साल का डाटा हम देखते हैं तो 5 सालों में एक अच्छा खासा यहाँ पर जो जंप देखने को मिला वो यहाँ पर देखने मिला दोस्तों, जो देखने को मिला वो लगभग 22 के आसपास फर्स्ट में देखने को मिला था, पर यहाँ पे शेयर में गिरावट अब जो बनी है वो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो मार्केट क्रैश होता हुआ देखने को मिला है वो लास्ट में मार्केट जो 2022 के जो मार्केट क्लोज हुआ है वैसे वैसे दोस्तों इसका जो मार्केट है वो वैसे क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। तो फिलहाल के टाइम अगर देखा जाए तो Q3 का जो डाटा है वो भी अब आने वाला है जल्दी, तो आज बोर्ड मीटिंग हुई थी पर दोस्तों अभी तक बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट में अभी कोई जानकारी नहीं आई है, पर आज की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें दोस्तों कल ही डाटा देखने को मिलने वाला, जब जैसे एक कल का मार्केट ओपन होता है तो कल का जो डाटा आएगा उसमें पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि आने वाला जो डाटा है Q3 का वो कब लॉन्च होने कब रिलीज होने जा रहा है। तो देखा जाए तो प्राइस तो अच्छी खासी पिछले 5 साल में देखने को मिली, पर यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है वो पिछले 1 साल में अच्छी खासी, जैसे 2022 खत्म हुआ वैसे पूरा मार्केट क्रेश होता हुआ देखने को मिला है TTML का। पर एक साल का हम डाटा देखते हैं तो 1 साल में जो मार्केट क्रेश हुआ है वो यहाँ से गिरता हुआ काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, और यहाँ पे आते हुए फिर से यहाँ पे लोअर्स में काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस गिरी थी 82 रुपये 95 पैसे वाली वो अब दोबारा से गिर ना जाए, इसी का शंका अब शेयर होल्डर्स में बनी हुई है। तो दोस्तों फिलहाल के टाइम देखा जाए तो जैसे ही 82 रुपये 95 वाली प्राइस पर अगर शेयर गिरता है तो Q3 का डाटा जैसे रिलीज होगा वापस से रिकवर होने के चांसेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 100+ का जो डाटा है रिकवरी का वो हो सकता है फिलहाल के टाइम, तो अगर कंपनी का जो डाटा है Q3 का वो आने के बाद दोस्तों पूरी जो एनालिसिस रह पाएगी वो पूरी सक्सेस रह पाएगी। फिलहाल के टाइम तो देखा जाए तो 1 साल का जो 1 साल के अंतराल का जो डाटा रहेगा वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉस में देखने को मिल रहा है, पर फिलहाल के टाइम तो आप सबको सबसे ज़्यादा होल्ड रखने की आवश्यकता यहाँ पे करनी चाहिए। तो फिलहाल के टाइम जितना ज़्यादा हो सके होल्ड रख लेना, बाद में Q3 का डाटा रिलीज होने के बाद में आप लोगों को सेल करना है या बाय करना है। तो फिलहाल के टाइम तो आपको सबसे ज़्यादा होल्ड रखने की आवश्यकता है, होल्ड रखोगे तो रिकवरी का जो संसाधन है वह आप लोगों को हाथ लग सकता है। फिलहाल के टाइम आप लोगों आज की क्या राय रहने वाली शेयर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।